श्रीडूंगरगढ़ की रोही में रविवार को बंदूक के छर्रे से हिरण का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम वन्यजीव प्रेमियों के साथ 5 गाड़ियों में रात भर शिकारियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी गई। गांव उदरासर, लाघरिया, श्रीडूंगरगढ़ और मकड़ासन की रोही में कई स्थानों पर दबिश दी। रेंजर कपिल राहर ने जानकारी देते हुए बताया है कि दबिश में 2 बंदूकें, बारूद, चाकू, जाल, गुलेल, मांस के टुकड़े सहित एक मोटरसाइकिल, तीतर को मारकर बनाई गई सब्जी बरामद की। टीम ने अलग अलग 2 स्थानों से एक महिला सहित 4 जनों को पकड़ा है। तीतर मारने के 2 अन्य मामले दर्ज किए गए। नवभारत समाचार से सुरेश जैन की रिपोर्ट। महिला को डिटेन किया, फिर हमें मुखबिरी मिली कि जो सुनारों की जोड़ी में जो शिकार हुआ है उसको शिकार करने वाले 2 व्यक्ति अमुक ढाणी के अंदर हैं, जो कि हमारा वो ढाणी जो है वो सुनारों की जोड़ी एरिया है वन विभाग का, उस एरिया के पड़ोस में ही लगती हुई उनकी ढाणी है। वहाँ हमने दबिश दी सुबह, और वाणी में दबिश देने के दौरान हमको बंदूक मिली है और कुछ मांस के टुकड़े, चाकू, जाल, मोटरसाइकिल जो कि वहीं प्रयुक्त हुई हुई है, निशानों का मिलान भी किया गया और 2 व्यक्तियों को वहां पे डिटेन किया गया है, एक दानाराम और एक रूपाराम। इन 2 लोगों को हमने डिटेन किया है, पूछताछ अभी जारी है, अनुसंधान कर रहे हैं। अभी पूरे दिन भी आज जहां जहां शिकारियों के डेरे या संभावित शिकार क्षेत्र हैं वहाँ पूरे दिन दबिश दी जाएगी, और पूरे बीकानेर ज़िले की टीम आ चुकी है, अलग अलग दफ्तरों की टीमें हैं जो हमारे साथ में काम कर रही हैं, बीकानेर वाइल्ड लाइफ से भी टीम आई है। कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए हैं सर? जी सर, इसके अंदर हमें गुलेल, चाकू, बंदूक, जाल ये बरामद हुए हैं। मैं कपिल चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, डूंगरगढ़।